मंत्री अरुण जेटली ने इस साल का आम बजट पेश करते हुए मोदी सरकार के एक महत्वपूर्ण चुनावी वादे को पूरा करने की घोषणा की थी। ये घोषणा थी राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट बनाने की। क्या है ये राष्ट्रीय कृषि बाजार, कैसे काम करेगा ये, किसानों के लिए कैसे फायदेमंद होगा ये बाजार और पूरे देश की मंडियों को एक सूत्र में बांधने का ये सपना कब तक हकीकत बनेगा, ये जानने के लिए हम आज पहुंचे हैं कर्नाटक की हुबली मंडी में। कर्नाटक में कुल 155 मंडियां और 354 उप मंडियां हैं, जिनमें से अब तक करीब 100 मंडियों को ऑनलाइन जोड़कर एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा चुका है। आमतौर पर ट्रेडर को हर मंडी में कारोबार के लिए अलग अलग लाइसेंस लेना होता है, लेकिन कर्नाटक में कोई भी कारोबारी केवल एक लाइसेंस से ऑनलाइन जुड़ चुकी सभी 100 मंडियों में कारोबार कर सकता है। इतना ही नहीं, यहां राज्य सरकार ने गोदामों को भी उप मंडियों का दर्जा दे दिया है, जिससे किसान अपने खेत के करीब किसी भी गोदाम में अपनी उपज रखकर सीधे वहीं से उसे बेच सकता है। As you rightly said, the government of India is very keen and they have floated this national agriculture market concept over there very strongly. They are moving in that direction. 9th and 10th of July, the government of India led a delegation of 26 states, ministers and the respected senior officers to study the Karnataka model. प्रस्तावित राष्ट्रीय कृषि बाजार एक बार लागू हो गई तो किसान कारोबारियों के लिए हर राज्य एक मंडी की तरह हो जाएगा। वैसे तो पूरे देश में किसान कारोबारी कहीं से कहीं के लिए खरीद बिक्री कर सकता है, क्योंकि ऑनलाइन होने के बाद सभी राज्य एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, लेकिन उस खरीदने बेचने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए लाइसेंस लेना होगा और वो लाइसेंस राज्यों के आधार पर मिलेगा। मंडियों के आपस में ऑनलाइन जुड़ जाने से सार्थक बदलाव किसानों की जिंदगी में आएगा। अभी देश के किसी भी हिस्से के किसान को अपनी फसल बेचने के लिए अपने इलाके के आसपास की ही मंडी तक पहुंच बन पाती है। अब कर्नाटक के किसी जिले का किसान सीधे दिल्ली या फिर देश के दूसरे किसी राज्य के जिले में अपनी फसल बेच पाएगा। उदाहरण के लिए, दिल्ली में चने का कोई कारोबारी है जो चना खरीदना चाहता है, तो कंप्यूटर पर केवल एक क्लिक से वह देश भर की मंडियों में मौजूद हर गुणवत्ता के चने का पूरा स्टॉक देख सकता है और उसके लिए बोलियां लगा सकता है। जाहिर है, इससे जहां एक ओर किसान को अपनी फसल के लिए बेहतर से बेहतर भाव मिलेगा, वहीं सरकार को भी देश के अलग अलग हिस्सों में मांग और आपूर्ति के लिहाज से संतुलन बिठाने में सहूलियत होगी। कमिटी ने इस 3 मंथ को इस पूरा कृषि मार्केटों मंडियों में पूरा फार्मर्स के साथ बातचीत किया है, ट्रेडर्स के साथ बातचीत किया और समस्या क्या है, भारत सरकार ने एक रिपोर्ट कमेटी का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी का एक ड्राफ्ट रिपोर्ट भी मिला था, तो पूरा इस समस्या को कैसा हल करने का दिशा में इस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिए। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है APMC मंडी के गेट से, जहां किसान अपना माल लेकर पहुंचता है। किसान बोरियों और हर बोरी के वजन के लिहाज से अपनी कुल कमोडिटी का एक अंदाजा लगाता है और उसी आधार पर गेट एंट्री की जाती है। लेकिन गेट एंट्री से पहले किसान का पंजीकरण जरूरी है। पंजीकरण के लिए तय कई दस्तावेजों में से किसी एक का होना जरूरी है, साथ ही बैंक में खाता होना भी जरूरी है। लेकिन अगर किसी किसान के पास अभी तक बैंक खाता नहीं है, तो उसी समय मंडी के कर्मचारी बैंक के कर्मचारियों से बात करके किसान का बैंक खाता खुलवा देते हैं। प्री टेंडर में क्या होता है कि हम लोग किसान से अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, इससे उसका पूरा जो डिटेल्स रहता है सिस्टम में कैप्चर हो जाता है और वो कर्नाटक में कहीं पे भी उसका माल लेके वो ट्रेड कर सकता है। और प्री टेंडर में ये भी होता है कि उसका अगर बैंक अकाउंट नहीं है, बैंक अकाउंट का डिटेल्स भी हम लोग कैप्चर कर उसको फ्री में बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए हमारे यहाँ पे सारा तामझाम लगा रखा है हम लोगों ने। एक बार किसान का पंजीकरण हो गया तो यही उसे हमेशा काम आएगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद बारी आती है गेट एंट्री की। गेट एंट्री के लिए गेट पर बैठा डेटा ऑपरेटर बोरियों की संख्या, उपज का वजन और कमीशन एजेंट का नाम जैसी जानकारियां कंप्यूटर में डालता है और फिर वहीं से किसान को अपने माल के लिए एक आईडी और एक लॉट नंबर मिल जाता है। अमूमन एक गुणवत्ता की सारी उपज एक लॉट में आती है और इसलिए एक किसान की उपज को कई लॉट नंबर मिल सकते हैं।
उसके लॉट के अगेंस्ट कितना बिड आया है, L1 जो भी प्राइस आता है उसका डिटेल्स उसको वाया SMS मिल जाता है। इसके बाद इन सारे लॉट का सैंपल असेइंग लैब में जाता है और फिर लैब के परिणाम लॉट नंबर के सामने ऑनलाइन बिडिंग स्क्रीन पर आ जाते हैं। जो फार्मर्स यहाँ पे जो उनका ये लेके आते हैं कम्युनिटीज, वो कम्युनिटी का सैंपल कलेक्ट करके हम यहाँ पे असेइंग करके उसका जो ग्रेड आता है वो ग्रेड हम UMP इसमें डाल देते हैं सर। उसके हिसाब से जो भी परचेजर्स उसके ग्रेडिंग के देख के उनका रेट कोड कर सकते हैं। अभी मंडियों में ग्रेडिंग और असेइंग की सुविधा मंडी में आने वाले माल की तुलना में नाकाफी है, तो फिलहाल सारे लॉट के लिए ऐसा संभव नहीं होता। ऐसे में फिलहाल कमीशन एजेंट ही ज्यादातर लॉट की असेइंग कर अपने ट्रेडर को लॉट के भाव पर सलाह देते हैं और इस तरह ट्रेडर हर लॉट के हिसाब से अपना भाव कोट करता है और ये भाव किसान को SMS के जरिए उसके मोबाइल पर भेज दिया जाता है।